काफी समय भी है चुनाव प्रचार की दृष्टि से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि समय रहते चारों लोकसभा के लिए पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और उस दृष्टि से चारों लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट चुके हैं। पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम देख रहे हैं, और उन राज्यों में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत आधार नहीं रहा है, वहां भी अब की बार बहुत बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। हिमाचल के संदर्भ में जहां चारों लोकसभा सीट का हम आप जिक्र करते हैं, हमीरपुर लोकसभा से अनुराग ठाकुर जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और निश्चित रूप से चार बार जीतने के पश्चात पांचवी बार ऐतिहासिक जीत उनकी होने वाली है। मैं पिछले कल ही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के बिलासपुर में जंडुता में गुमारवी में था, और जहां हम इस बात को हम देख रहे हैं कि अब की बार की जीत बहुत बड़ी जीत वहां पर होने वाली है, और शायद इस बात को भी मैं कह सकता हूं कि आज तक की सबसे बड़ी जीत भी हो सकती है। और दूसरा, हमारा शिमला लोकसभा क्षेत्र में भी हमारे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट सुरेश कश्यप जी को पार्टी का टिकट दिया गया है, वो चुनाव अभियान में जुट चुके हैं, वहां पर भी जीत भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार बहुत बड़े अंतर से हुई है, 3,30,000 वोट से जीते हैं, और अब की बार भी उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, उनका भी चुनाव अभियान बहुत बेहतर ढंग से चला है वहां पर, और जीत अच्छी जीत होगी, शानदार जीत होगी, इस बात के लिए भी हम आश्वस्त हैं। उसके पश्चात जहां मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, मंडी लोकसभा क्षेत्र में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार महिला प्रत्याशी के नाते कंगना रनावत जी को टिकट दिया है। एक सेलिब्रिटी के नाते उनका अपना नाम है, और हिमाचल प्रदेश से फिल्म जगत में काम करने वाले लोगों में से उन्होंने बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ अपनी एक पहचान बनाई है, और कंगना जी का मंडी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में अभी तक हमने दौरा करा करके उनका परिचय, उसके साथ लोगों के साथ मिलने का कार्यक्रम वो पूर्ण हो चुका है, और 10 तारीख के पश्चात 10 तारीख को फिर वो वापिस यहाँ हिमाचल प्रदेश में मंडी में आ जाएंगी। 11 तारीख से उनका प्रवास अगला कुल्लू जिला का शुरू हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मंडी की सीट को एक जिसको कहा जा रहा है कि एक हॉट सीट ये अब की बार होगी,
चाहे वो इस सेलिब्रिटी के कारण है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन नामों का जिक्र हो रहा है चुनाव में, मुझे मालूम नहीं कौन आएंगे, और पहले वो ना करते रहे हैं, अब हाँ करने लगे हैं। वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा, जो भी होगा, जो भी इनको कैंडिडेट उतारना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से मंडी लोकसभा क्षेत्र में भी अब की बार जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिल रहा है, उसमें निश्चित रूप से मंडी की जीत भी सुनिश्चित है, और बहुत बड़े अंतर के साथ हम इस सीट को जीतने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करेंगे। जहां तक पॉलिटिकल सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, मैं उसमें थोड़ा समय जरूर कहना चाहूंगा। आजकल हम रोजाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, खासतौर से कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी उनका कोई मंत्री या कोई नेता, जो राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो एक दृश्य है आज की तारीख में है, उसका जिक्र वो करते हैं। मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में डिलीवर करने में असफल हुई है, पूर्ण रूप से असफल हुई है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जहां मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज के लिए दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न कर रही है, और जिस प्रकार से उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जो कांग्रेस के विधायक जिनका सस्पेंशन नहीं, जिनका निष्कासन हुआ, यानी कि उनकी सदस्यता समाप्त हुई, उनका भी जिक्र करते हुए और निर्दलीय विधायकों के ऊपर पैसे के जिक्र में कुछ बातें टिप्पणियां की, मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी 9 के 9 विधायकों ने तय किया है, 3 निर्दलीय और 3 निर्दलीय के साथ साथ पे जो 6 कांग्रेस के, उस पर वो डेफेमेशन करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे, और कुछ विधायकों की ओर से इसमें नोटिस भी जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है और उनको हर बात को जिम्मेवारी के साथ कहना चाहिए होता है। वो सबूतों की जिक्र कर रहे हैं, सबूत है तो मामला दर्ज करें जिनके खिलाफ है। ऐसे इस प्रकार से अगर सार्वजनिक बयान किसी भी विधायक के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ इस प्रकार से करते हैं, वो वॉयलेशन ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का भी है, और उसके स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी गंभीर होंगे आने वाले समय में, जब 9 के 9 विधायकों ने तय किया कि हम मानहानि का मामला दर्ज करेंगे, और उसके बाद जो कानूनी कार्यवाही होगी उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके बात करेंगे। मित्रों, मैं सारी चीज को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से नाराजगी विधायकों ने एक बार नहीं, कई बार, कई जगह जिक्र किया। अगर विधानसभा के रिकॉर्ड में आप देखेंगे, उन्हीं में से बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी सरकार को आगाह किया था, विधानसभा के बाहर भी उन्हीं विधायकों ने बार बार जलालत के लिए जिक्र किया था कि विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, काम नहीं हो रहे हैं,
लेकिन सारी बातों को सुना गया, लेकिन उसके बावजूद माना नहीं गया, नजरअंदाज करते गए। और उसके बाद परिणाम इस दिशा में हुआ, जब राज्यसभा का चुनाव हुए तो क्रॉस वोटिंग करने के लिए कांग्रेस के विधायक जो है वो विवश हुए, और उन विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने चोरी छुपे नहीं की है, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो ऑथराइज थे वहां पर पोलिंग के दिन जहां राज्यसभा के लिए वोट पड़ रहे थे उनको दिखा करके वोट डाला है। और किसी सरकार की चलाने के लिए अगर नाकामयाबी रही है आज तक के इतिहास में, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि नाकामी रही है तो वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी रही है। 14 महीने के कार्यकाल में आपके 6 विधायक जिनकी बहुत विधायकों की पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी की आज के हिमाचल प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनसे ज्यादा है। सुधीर शर्मा के पिता 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, वो पार्टी छोड़ने के लिए विवश क्यों हुए, ऐसा कदम उठाने के लिए विवश क्यों हुए। जब बार बार इज्जत पर आती है बात तो स्वाभाविक रूप से आदमी स्वाभिमान के लिए कई बार कदम उठाता है और इसलिए उठाया। रवि ठाकुर का इतिहास आप जानते हैं, उनका परिवार की पृष्ठभूमि जानते हैं, लता ठाकुर से लेकर के जब हिमाचल का निर्माण हुआ तो हिमाचल के निर्माण के बाद सरकार बनने में उनकी हिस्सेदारी थी एक मंत्री के रूप में। उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी त्याग पत्र के यानी कि वो भी अपने आप जो है वो कांग्रेस से बाहर जाने के लिए विवश हुए, कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला राज्यसभा में। अगर ये परिस्थिति बनी है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व तो किस बात को लेकर के सोचना चाहिए कि अगर कमी रही है तो उनके अपने आप में कमी रही, और इसके लिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आप कल्पना करिए कांग्रेस का मंत्री मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता है 14 महीने की सरकार में, कौन उसके लिए दोषी है। और जिनका आरोप था सीधा आरोप था कि मेरे पिताजी की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है और उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात 2 गज जमीन उनको नसीब हुई शिमला के रिज के मैदान में उनका स्टैचू लगाने के लिए, उनकी मूर्ति लगाने के लिए, उसमें हमारी भूमिका है क्या। कांग्रेस के एक मंत्री मंत्रिमंडल के बैठक से उठ करके रोते रोते बाहर चले जाते हैं, उसमें भी हमारी भूमिका है क्या। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष जो मंडी के सांसद है वो एक बार नहीं 20 बार उन्होंने बयान दे दिया, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, एमपी की सुनी नहीं जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष की भी सुनी नहीं जा रही है, और ऐसे हालात में उन्होंने ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि काम नहीं हुए, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे, इसमें हमारा कसूर है क्या। ये सारी चीजें होने के बावजूद जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री लोग कि सरकार को गिराने की कोशिश हुई, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं ये सरकार है ही नहीं आज की तारीख, सरकार गिर चुकी है नजरों से भी और बहुमत से भी। जब राज्यसभा की सीट में
इनके 43 विधायकों से संख्या 34 पर पहुंचती है और भाजपा की 25 से 34 पर पहुंचती है और अंततः भाजपा की जीत होती है। तो नैतिकता तो ये बनती थी कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था, क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार राज्यसभा में जीत दिलाने में वो असफल रहे, बहुमत होने के बावजूद भी वो हार गए। नैतिकता तो ये बनती थी त्यागपत्र देना चाहिए था। और उसके पश्चात जब बजट पर विधानसभा के अंदर बजट जिस दिन पारित होना था, पहला इतिहास से पूरे देश भर में जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने बनाया, मुख्यमंत्री ने बनाया, जिस दिन बजट पारित होना था उनको लगा कि बहुमत नहीं है, हमारा बजट अगर पास नहीं हुआ तो सरकार यहीं गिर जाएगी। तो बजट पास करने से पहले भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो से उठा करके सदन से बाहर फेंका गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ है। कहां है सरकार, कहे की सरकार है, सरकार है ही नहीं। मैं कह रहा हूं, बड़ा साफ कह रहा हूं, ये टेक्निकल चीजों को टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम अगर बात कहें, राज्यसभा में वो हारे, बजट पारित उस सूरत में किया गया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो से वहां से उठा करके बाहर फेंका, तब जाकर के बजट पारित हुआ है। कहां है सरकार? और ऐसे हालात पूरे देश भर में देखने को नहीं मिले होंगे जब निर्दलीय विधायकों को त्याग पत्र देने पर विवश हुआ वो होना पड़ा। क्यों? उनको धमकियां दी गई, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, मामले दर्ज कर दिए गए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। और आज तो मैं हैरान हूं, इस तरह के अभी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुए उनको थोड़ा वक्त हुआ, एक महीना हुआ, और विधानसभा से नोटिस दे दिए कि अपने रेजिडेंस अलॉटेड रेजिडेंसीज है जो विधायकों के, उनको खाली करने के लिए आदेश कर दिए। इतनी गिरावट सोच में आ गई कांग्रेस के नेताओं के, यह हैरानी की बात है। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कह रहा हूं कि निर्दलीय विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र दे रखा, लेकिन उसके बावजूद वो स्वीकार नहीं कर रहे। निर्दलीय विधायकों को 5 साल के लिए विधायक चुन करके आता, वो 15 महीने में त्याग पत्र देने के लिए विवश क्यों हो रहा है? विवश इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार से सरकार विधायकों को चुने वो प्रतिनिधि को प्रताड़ित कर रही है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमने राजनीति में बहुत लड़ाई देखी है, लेकिन इस तरह की लड़ाई, इस नीच स्तर की लड़ाई हमने पहली बार हम देख रहे हैं। रवि ठाकुर जब तक विधायक कांग्रेस पार्टी के थे तब तक ठीक थे, लेकिन जिस दिन उनने राज्यसभा में वोट अगेंस्ट डाल दिया, जब उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उनके घर जाने का रास्ता जो पुश्तैनी रास्ता, वर्षों का रास्ता, उस रास्ते पर दीवार लगा दी। आप सोच की कल्पना कर सकते हैं, सोच आप सकते हैं कि किस हद तक गिरावट आ गई राजनीति में। और इसलिए मैं आज आप सबके बीच में यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का एक दौर आया है जहां लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के भी 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं, 6 उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, और 3 उपचुनाव अगर टेक्निकल ग्राउंड पर सारी चीजों को लेकर के होते हैं, अगर ये भी साथ हो जाते हैं जिनका अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि नियम यह कहता है अगर विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं तो उसको तत्काल स्वीकार किया जाता है। यह हमारे रूल्स हैं, यह हमारे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के इसमें।
पूरे देश के ही, सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है कि व्यक्तिगत रूप से कोई विधायक अगर त्याग पत्र देता है विधानसभा के अध्यक्ष के बाद, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन के अलावा कोई वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको तत्काल स्वीकार करना चाहिए। हम इस सारे मामले को लेकर के आने वाले समय में अदालत में भी जा रहे हैं। और जो कह रहे हैं बार बार इस बात को कह रहे हैं कि धन बल के आधार पर सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, हम धन बल का नहीं, हम जन बल का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव जब 9 हो जाएंगे और 9 उपचुनाव में कांग्रेस अगर हार जाती है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की अल्पमत में आ जाएगी और उसके बाद सरकार चली जाएगी। इसलिए मैं उस पर ज्यादा अब कहने नहीं चाह रहा हूं। मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार आज की तारीख में सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। और इसलिए यह दौर लोकसभा के चुनाव के साथ समाप्त होगा। जब 9 उपचुनाव का परिणाम आएगा, 4 लोकसभा की सीटों का परिणाम आएगा, हम चारों सीटों पर लोकसभा में भी जीतेंगे और उसके साथ साथ में जो उपचुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मुझे सिर्फ इतना कहना है। थैंक यू। आप सबको कुछ विक्रमादित्य की जो उम्मीदवारी है उसको कैसे देखती है भाजपा? देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से ये घोषणा नहीं होती है तब तक के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उनकी माता जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत जलालत हुई है, न लोगों के काम हुए, न हमारे काम हुए, न कार्यकर्ताओं के काम हुए, ऐसे हालात में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर माता जी जो पार्टी की उनकी अध्यक्षा है, उनकी अगर ये भावना है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि शायद वो चुनाव लड़ने का निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर मैं उन पर ही छोड़ देता हूँ। लेकिन मंडी सीट की बात अगर मैं कहूँ, हालात वैसे नहीं है जैसे लोग सोचते हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं। ये हमेशा के लिए कांग्रेस की नहीं है ये सीट, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी आए। ठाकुर साहब, ये मंडी संसदीय क्षेत्र में जैसे कांग्रेस जी को प्रत्याशी जो है बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर किया गया, डिस्पाइट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ स्टेट लीडरशिप, एक हिसाब से कैसे देखिए पार्टी का गया? देखो, तो कुछ पार्टी लीडर जो है विद इन पार्टी भी नाराज चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हमारे जब टिकट के लिए आवेदन करते हैं, टिकट के लिए आग्रह करते हैं, जब टिकट तो मिलता है तो खुशी होती है, नहीं मिलता तो थोड़ी निराशा होती है, इसमें दोराय नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसा नहीं है, सब लोगों से बातचीत हो गई है, सब लोग काम में जुट गए हैं, काम में लग गए हैं, और कुछ लोगों से और भी बात करने की आवश्यकता करेंगे, बात करेंगे बैठ करके बात, वो हमारे घर का परिवार का मामला है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति है ही नहीं। नाराज चले थे, उनसे बात हुई है, विस्तार से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हो गई है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे गया हूँ, मिल करके आया हूँ, और भी उनके साथ बात करने की ये होगी, जरूरत होगी तो हम बैठ के बात करेंगे। हर अजय राणा जी भी नहीं दिख रहे? मैं इतना कहना हूँ कि अजय राणा जी हमारे साथ थे, कल भी साथ थे, वो
साथ हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से कोई इस बात को लेकर के नहीं, अभी तो कैंपेन अभी शुरू होना है। अब आपको बताऊँ कि अभी कांग्रेस के तो कैंडिडेट बता रहे हैं, मुझे जानकारी मिले कि अभी तो शायद 14-15 तारीख के बाद होंगे। हमारा कैंडिडेट तो अभी 6-7 सीटों का, हाँ जी, 6-6 कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर भी करके आए, तो इसलिए अभी बहुत अर्ली है, सब लोग आएंगे, सब लोग काम में जुटेंगे। सर, विक्रमादित्य जी के द्वारा सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कंगना जी को लेकर, उसमें सर 2 माह तक के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तथ्य पर जाना चाहिए, तथ्य क्या है मैं उसमें बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ, सिरे से खारिज उन्होंने भी किया है सारे आरोप को, और उन्होंने भी, और ऐसी बातों को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि किसी के व्यक्तिगत इस पर जो है इस तरह की बातें करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि हमारे पार्टी की जो नेतृत्व की बात आती है, जहाँ उन्होंने निर्णय किया है और उसमें प्रमुख लोगों से कंसल्टेशन के बाद वो सारा किया है, उसमें मुझे लगता है कि कोई इस तरह की बात नहीं है। और बड़ा साहब कह रहा हूँ कि जब कंगना जी ने ही सिरे से इस बात को नकारा है कि ये सत्य नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इसको ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता, इसको बहुत इस तरह से उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो कुछ चीज़ों को लेकर के, और ये बहुत सेंसिटिव है, और ये अगर बहुत ज़्यादा इस मसले को उठाए इस तरह से उठाने की कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से ये इलेक्शन कमीशन में भी हम इसके बारे में शिकायत करेंगे। सर, देश का चुनाव था, देश में इसी वर्ष से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हैं, जैसे छोटे बच्चों का 2 साल का इंतजार है, PhD खत्म हो गई, डायरेक्ट प्रोफेसर उसके लिए नेट क्वालिफाइजर का भी, क्या लगता है आपको यूथ इसके साथ है, जो ईज ऑफ चेंज दिया है सब्जेक्ट्स को लेकर, साइंस वाला, कॉमर्स वाली शिफ्टिंग जो प्लस टू के बाद भी आसान कर दी गई, आपको लगता है यूथ इसका साथ देगा? तो मुझे लगता है कि यूथ के लिए, कुछ लोगों के लिए तो एक पर्टिकुलर को, ये जिस इशू पर आप बात कर रहे हैं इस तो कंसर्न जो है वो अभी तक तो मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यूथ बहुत बड़ी तादाद में, यूथ की अगर लीडर के नाते, अगर पूरे जितने भी दलों के नेता हैं देश के अंदर, तो उनकी चॉइस, पहली चॉइस अगर है तो नरेंद्र मोदी की है। और ऐसे विषयों पर मुझे नहीं लगता है कि यूथ बहुत ज़्यादा ये करेंगे, उनका क्योंकि वोट देश के लिए है, ये वोट देश के लिए है, देश कैसा चाहिए, देश में नेतृत्व कैसा चाहिए, इस बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए नौजवान और सभी लोग वोट करते हैं लोकसभा के चुनाव में। इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है तो उसमें सीधी सी बात आती है, जब देश सामने होता है, नेतृत्व सामने होता है, तो देश भारत और नेतृत्व नरेंद्र मोदी, ये पहली चॉइस हमारे युवाओं की है, और युवाओं की ये चॉइस आज से नहीं 2014 के चुनाव से भी अभी तक उसी तरह से काम कायम है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। सर, पिछले कल बाइक रैली के दौरान चलान हुए बीजेपी के, मैं सब तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैंने SP शिमला के साथ बात, SP मंडी के साथ बातचीत की है पिछले कल, हमारे कुछ नौजवानों के चलान किए गए हैं, अनावश्यक रूप से किए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से ये छोटी बातों पर इस तरह का करना, ये होता नहीं है, उससे क्या हासिल होगा? हमारे नौजवानों के, बहुत सारे लोगों के उसमें चलान कर दिए गए, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, बाकायदा हमने जो बाइक रैली की परमिशन ली हुई थी उसके बावजूद भी चलान कर दिया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने SP से बात की, उनके ध्यान में लाया है, मैंने कहा इसका संज्ञान लिया। सर, वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, आप जब CM थे, आपके मुख्यमंत्री भी स्वर्गीय विक्रमादित्य सिंह जी के साथ भी अच्छे रिलेशन है, धूमल जी के भी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ शुरू से ही तलखी है और आप पहले ज़्यादा तल्ख दिख रहे हैं, तो क्या कारण समझते हैं राजनीतिक परिदृश्य के बहाव के माहौल जो बदला है? ये तलखी का कोई विषय नहीं, मेरे पास दायित्व इस प्रकार का है, मुझे सरकार के हर गलत काम के खिलाफ बोलना है। जब पहले दिन से ही वो गलत काम करने लगे, 1000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान, तो क्या मुझसे क्या उम्मीद करते कि मैं सुक्खू जी की तारीफ करूंगा, कांग्रेस की सरकार की तारीफ करूंगा?
और उसके बाद बहुत सारे निर्णय हमारे जो बदल दिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए, 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ऋण हिमाचल प्रदेश में ले लिए, क्या किस बात के लिए हम तारीफ करें, पूरी ताकत उनकी सरकार बचाने में लगी हुई है, एक एक विधायक को 20-20 पुलिस के जवान दे रखे हैं ताकि विधायक सुरक्षित रह सके, इतना क्या अविश्वास है अपने विधायकों पर। तो ऐसी परिस्थिति बनी है वर्तमान सरकार की, तो स्वाभाविक रूप से मेरा ये धर्म है, मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूँ, विपक्ष के नेता के नाते सरकार के गलत कामों की, गलत नीतियों का और गलत सारी व्यवस्थाओं का जो है हम लोगों के सामने पर्दाफाश करें और उनका जिक्र करें, यही मुझे कहना है। बस ये प्रभारी जो है ना, जैसे गोविंद सिंह ठाकुर जी ने प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये आरोप लगाया कि प्रतवा सिंह और विक्रमादित्य ने उठाया इन विधायकों को और अब छोड़ दिया, राम सारे भाजपा के लिए भी एक तरह से बोझ ही है, समझो ना, ये तो दूसरे कैडर में आज तो बाकी उकसाया उन्होंने, फिर उनको छोड़ दिया, कुछ स्कीम 14-15 की थी, एक आया आपका फीडबैक बोलना था, उन्होंने उकसाया और मतलब पलटू राम बोला ना, देखो सबसे ज्यादा पलटू राम तो वो है कि उन्होंने उनको उकसाया, उनकी सदस्यता भी गई, इलेक्शन में भी जाना पड़ा और वो अपने आप पीछे हट गए, सुबह रिजाइन देकर शाम को 14-15 की उन्होंने रखी थी साहब साहब, देखिए मैं इस बारे में फिल्म का शेष भाग जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। देखिए मैं इस बात मैं एक बात बड़ा साफ कह रहा हूँ, ये सरकार जा चुकी है, ये सरकार है ही नहीं। नैतिकता के आधार पर तो मैंने पहले ही कह दिया कि किस प्रकार की सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आज नहीं गई तो कल जाएगी, इस बात को लेकर के जो मर्जी करे, हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, ये अपने अपने बोझ से ही, अपने ही कारनामों से, अपने ही सारी काम करने के तौर तरीकों से ही सरकार जो है वो अपने संकट पे आई है। हमारे पास काफी समय भी है चुनाव प्रचार की दृष्टि से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि समय रहते चारों लोकसभा के लिए पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और उस दृष्टि से चारों लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट चुके हैं। पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम देख रहे हैं, और उन राज्यों में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत आधार नहीं रहा है, वहां भी अब की बार बहुत बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। हिमाचल के संदर्भ में जहां चारों लोकसभा सीट का हम अब जिक्र करते हैं, हमीरपुर लोकसभा से अनुराग ठाकुर जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और निश्चित रूप से चार बार जीतने के पश्चात पांचवी बार ऐतिहासिक जीत उनकी होने वाली है। मैं पिछले कल ही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के बिलासपुर में, जंडुता में, गुमारवी में था, और जहां हम इस बात को हम देख रहे हैं कि अब की बार की जीत बहुत बड़ी जीत वहां पर होने वाली है, और शायद इस बात को भी मैं कह सकता हूं कि आज तक की सबसे बड़ी जीत भी हो सकती है। और दूसरा हमारा शिमला लोकसभा क्षेत्र में भी हमारे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट सुरेश कश्यप जी को पार्टी का टिकट दिया गया है, वो चुनाव अभियान में जुट चुके हैं, वहां पर भी जीत भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार बहुत बड़े अंतर से हुई है, 3,30,000 वोट से जीते हैं, और अब की बार भी उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को लेकर के भी हम
आश्वस्त हैं। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जो हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, उनका भी चुनाव अभियान बहुत बेहतर ढंग से चला है वहां पर, और जीत अच्छी जीत होगी, शानदार जीत होगी, इस बात के लिए भी हम आश्वस्त हैं। उसके पश्चात जहां मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, मंडी लोकसभा क्षेत्र में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार महिला प्रत्याशी के नाते कंगना रनावत जी को टिकट दिया है। एक सेलिब्रिटी के नाते उनका अपना नाम है और हिमाचल प्रदेश से फिल्म जगत में काम करने वाले लोगों में से उन्होंने बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ अपनी एक पहचान बनाई है और कंगना जी का मंडी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में अभी तक हमने दौरा करा करके उनका परिचय, उसके साथ लोगों के साथ मिलने का कार्यक्रम वो पूर्ण हो चुका है और 10 तारीख के पश्चात 10 तारीख को फिर वो वापिस यहाँ हिमाचल प्रदेश में मंडी में आ जाएंगी। 11 तारीख से उनका प्रवास अगला कुल्लू जिला का शुरू हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मंडी की सीट को एक जिसको कहा जा रहा है कि एक हॉट सीट ये अब की बार होगी, चाहे वो इस सेलिब्रिटी के कारण है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन नामों का जिक्र हो रहा है चुनाव में, मुझे मालूम नहीं कौन आएंगे और पहले वो ना करते रहे हैं अब हाँ करने लगे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा, जो भी होगा, जो भी इनको कैंडिडेट उतारना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में है और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से मंडी लोकसभा क्षेत्र में भी अब की बार जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिल रहा है, उसमें निश्चित रूप से मंडी की जीत भी सुनिश्चित है और बहुत बड़े अंतर के साथ हम इस सीट को जीतने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करेंगे। जहां तक पॉलिटिकल सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, मैं उसमें थोड़ा समय जरूर कहना चाहूंगा। आजकल हम रोजाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, खासतौर से कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी उनका कोई मंत्री या कोई नेता, जो राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो एक दृश्य आज की तारीख में है, उसका जिक्र वो करते हैं। मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में डिलीवर करने में असफल हुई है, पूर्ण रूप से असफल हुई है और उसका जीता जागता उदाहरण ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जहां मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज के लिए दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न कर रही है,
और जिस प्रकार से उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जो कांग्रेस के विधायक जिनका सस्पेंशन नहीं जिनका निष्कासन हुआ यानी कि उनकी सदस्यता समाप्त हुई उनका भी जिक्र करते हुए और निर्दलीय विधायकों के ऊपर पैसे के जिक्र में कुछ बातें टिप्पणियां की हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी 9 के 9 विधायकों ने तय किया है, 3 निर्दलीय के साथ साथ पे जो 6 कांग्रेस के, उस पर वो डेफेमेशन करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे और कुछ विधायकों की ओर से इसमें नोटिस भी जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है और उनको हर बात को जिम्मेवारी के साथ कहना चाहिए होता है। वो सबूतों की जिक्र कर रहे हैं, सबूत है तो मामला दर्ज करें जिनके खिलाफ है। ऐसे इस प्रकार से अगर सार्वजनिक बयान किसी भी विधायक के खिलाफ किसी भी नेता के खिलाफ इस प्रकार से करते हैं वो वॉयलेशन ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का भी है और उसके स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी गंभीर होंगे आने वाले समय में। जब 9 के 9 विधायकों ने तय किया कि हम मानहानि का मामला दर्ज करेंगे और उसके बाद जो कानूनी कार्यवाही होगी उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके बात करेंगे। मित्रों, मैं सारी चीज को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से नाराजगी विधायकों ने एक बार नहीं कई बार कई जगह जिक्र किया। अगर विधानसभा के रिकॉर्ड में आप देखेंगे उन्हीं में से बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी सरकार को आगाह किया था, विधानसभा के बाहर भी उन्हीं विधायकों ने बार बार जलालत के लिए जिक्र किया था कि विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सारी बातों को सुना गया लेकिन उसके बावजूद माना नहीं गया, नजरअंदाज करते गए और उसके बाद परिणाम इस दिशा में हुआ। जब राज्यसभा का चुनाव हुए तो क्रॉस वोटिंग करने के लिए कांग्रेस के विधायक जो है वो विवश हुए और उन विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने चोरी छुपे नहीं की है, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो ऑथराइज थे वहां पर पोलिंग के दिन जहां राज्यसभा के लिए वोट पड़ रहे थे उनको दिखा करके वोट डाला है। और किसी सरकार की